फिर पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार। 2024 में मोदी का विकल्प बनने की कोशिश में जुटे नीतीश, मोदी कमजोर पड़े तो एनडीए में नीतीश की हो सकती है वापसी। कभी बीजेपी के साथ यारी तो कभी आरजेडी से, नीतीश कहीं भी रहे लेकिन जहां रहे सत्ता भी वही रही। बिहार में 8वीं बार सत्ता संभाल रहे हैं, 3 बार आरजेडी के सहयोग से तो 5 बार बीजेपी के सहयोग से, फिलहाल आरजेडी के साथ हैं और कब तक रहेंगे भरोसा नहीं। नीतीश के विरोधी उन पर तंज कसते हैं कि इस्तीफा नीतीश कुमार देते हैं लेकिन डिप्टी सीएम बदल जाता है, इस्तीफा देने वाला सीएम फिर सीएम बन जाता है। लालू यादव तो नीतीश कुमार की तुलना साफ से करते हुए कह चुके हैं कि नीतीश हर 2 साल बाद केचुली छोड़ता है, कब किसके साथ जाएगा कहां नहीं जा सकता। फिलहाल नीतीश 2 साल तक तो आरजेडी के साथ रहेंगे अगर लालू यादव की बातों पर भरोसा किया जाए, और नीतीश कुमार ने भी विश्वास प्रस्ताव की बहस में जो संकेत दिए हैं वो कुछ इसी तरह के हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि 2020 में चुनाव हुआ, बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली, हम सीएम नहीं बनना चाहते थे लेकिन हम पर सीएम बनने के लिए दबाव डाला गया। इसके बाद क्या हुआ सबने देखा है, सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, प्रेम कुमार को भी मंत्री नहीं बनाया गया, नंद किशोर यादव भी हमारे मंत्रिमंडल में नहीं थे, राम नारायण मंडल, विनोद नारायण झा और भी दूसरे नाम थे जो योग्य थे और अनुभवी थे, किसी को मंत्री नहीं बनाया गया, पिछली सरकार के सिर्फ 2 मंत्रियों को शामिल किया गया। दरअसल नीतीश कुमार जिन नेताओं के नाम गिना रहे हैं वो सभी बीजेपी के नेता हैं और अधिकांश तो बीजेपी के विधायक हैं। जाहिर सी बात है नीतीश की परेशानी बीजेपी से नहीं थी, उनकी परेशानी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से थी जिसने बिहार में ऐसे लोगों को पार्टी की ताकत सौंप दी थी जिनसे नीतीश की पटरी नहीं बैठ रही थी, और जिनसे बैठ रही थी उन्हें बीजेपी से किनारे लगा दिया गया। नीतीश ने खुद कहा कि अटल, आडवाणी और जोशी वाली ये बीजेपी नहीं है, ये दूसरी वाली बीजेपी है, पहले हमें बहुत सम्मान मिलता था, हमारी सुनी जाती थी और हम जैसा कहते थे उसे माना भी जाता था, लेकिन 2017 में जब हम बीजेपी के साथ दोबारा गए तो स्थितियां बदल गई थी, हमने जो कुछ भी मांगा वो हमें नहीं मिला। लेकिन नीतीश कुमार ने यह नहीं बताया कि 2005 में जब वो सत्ता में आए थे तो केंद्र में सरकार बीजेपी की नहीं कांग्रेस की थी, ऐसे में बीजेपी से उन्होंने क्या क्या मांगा जो उन्हें मिल गया, और जो वाजपेयी की बीजेपी ने दिया वो मोदी की बीजेपी देने को तैयार नहीं है। नीतीश ने बीजेपी के एक गुट को साधने की कोशिश भी की तो दूसरी ओर मोदी और शाह के संकेतों को अपने निशाने पर ले लिया, दिल्ली की सरकार को प्रचार करने वाली सरकार तक बता दिया, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेताओं को लेकर नरम रवैया दिखाकर इस बार के संकेत भी दे दिए कि आज वो बीजेपी के खिलाफ हैं लेकिन भविष्य की संभावनाओं को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बीजेपी भी लालू यादव की बात जेडीयू और आरजेडी दोनों को याद दिला रही है, नीतीश 2 साल बाद केचुली बदल देते हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव है, नीतीश कुमार 2024 का लोकसभा चुनाव महागठबंधन के साथ ही लड़ेंगे ये तय माना जा रहा है। जेडीयू नेताओं की ओर से इस बात की कोशिश भी हो रही है कि विपक्षी एकता बने और नीतीश कुमार उसका नेतृत्व करें। पीएम मोदी के सामने नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि का फायदा पूरे देश में विपक्ष को मिल सकता है, ऐसे में नीतीश कुमार मोदी को रोकने में कामयाब हो गए तो उनके हाथ दिल्ली की सत्ता भी आ जाएगी। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, विपक्ष ने उन्हें पीएम उम्मीदवार नहीं बनाया, 2024 से बीजेपी सत्ता में पहुंचने में कामयाब हो गई तो नीतीश कुमार एक बार फिर नई राह चुन सकते हैं। नीतीश क्या करेंगे ये भविष्य में तय होगा, लेकिन बीजेपी हो या फिर आरजेडी नीतीश की पलटी मार से बेहद सतर्क दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दनौदर पर न्यूज़।